आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप के बीटा वर्जन को कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी आप व्हाट्सएप के एक बीटा यूज़र कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्यास माजी और आप देख रहे हैं व्यूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट्सएप। तो आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे बीटा जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, यानी बीटा वर्जन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। ये नॉर्मल व्हाट्सएप है, और नीचे आप देख सकते हैं बीटा प्रोग्राम इज़ फुल। यहाँ पे भी ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसे क्लोज़ कर लेना है, और क्लोज़ करने के बाद आपको ओपन करना है क्रोम ऐप को। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्रोम ऐप ओपन कर लेते हैं। क्रोम ऐप को ओपन करने के बाद आपको उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है जो जीमेल आईडी आपका प्ले स्टोर में लॉगिन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहां पे चेक कर लीजिए कि कौन सा जीमेल आईडी आपके क्रोम पे लॉगिन किया हुआ है, और सेम जीमेल आईडी से आपको प्ले स्टोर में भी लॉगिन करना है और आपको क्रोम ऐप में भी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप बीटा डाउनलोड, या फिर व्हाट्सएप बीटा वर्जन डाउनलोड, आप जो चाहे सर्च कर लीजिए। तो जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक वेबसाइट व्हाट्सएप बीटा, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर, नीचे आपको मिल जाएगा बिकम ए टेस्टर। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर फुल लिखा हुआ आ रहा है तो आप बार बार उसे रिफ्रेश कर लीजिए, और दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, बीस बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। जैसे रिफ्रेश कीजिएगा नीचे आपको ये बटन मिल जाएगा बिकम ए टेस्टर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए वेट कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे वेलकम टू द टेस्टिंग प्रोग्राम, आपको ये वाला मैसेज मिल जाएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वाला बटन नहीं मिल रहा है बिकम ए टेस्टर, तो आप इस पेज को बार बार रिफ्रेश कीजिए, और रिफ्रेश करने के बाद आपको ये वाला बटन मिल जाएगा। और बटन मिल जाने के बाद आपको उसमें क्लिक करना है, और उसके बाद आपको वेलकम टू द टेस्टिंग प्रोग्राम वाला जो मैसेज है वो आपको मिल जाएगा, यू आर नाउ ए टेस्टर। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर का बीटा वर्जन शो करेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, एक्चुअली मेरे फ़ोन में अभी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है इसलिए गूगल प्ले अपडेट नहीं लेता है। तो चलिए हम लोग कुछ देर के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑफ करते हैं, इसे अपडेट कर लेते हैं, और अपडेट करने के बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपडेट कंप्लीट हो चुका है और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो आप लोग कुछ देर के लिए वेट कर लीजिएगा, जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें बीटा जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का बीटा वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, और ये सिंपल तरीके से आप भी अपने व्हाट्सएप के बीटा वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, यानी आप एक बीटा टेस्टर यूज़र बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप ऑन हो चुका है, ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हमें बीटा वर्जन के लिए जो जो नए नए फीचर्स मिलते हैं वो सारे फीचर्स को हम यूज़ भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप में बीटा वर्जन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो भी बहुत से सिंपल तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है कि आप एक व्हाट्सएप के बीटा टेस्टर यूज़र कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस सेम टू सेम करना है, और इसी तरीके से आप व्हाट्सएप के बीटा वर्जन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।